देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। कानपुर देहात के रसूलाबाद में 8 जून को थाना रसूलाबाद में कुकर्म का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें दो किशोर मुस्लिम थे। मुलजिम रमन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्रकार रजनेश भी उसी गांव का निवासी था। पत्रकार ने कुकर्म की खबर दिखाई थी, जिसके बाद मुलजिम के घर वाले उस मामले पर पत्रकार को फंसाने का मौका देख रहे थे। अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार पत्रकार रजनेश को ही ठहराकर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जबकि कुकर्म के मामले में पुलिस लगातार दबाव दे रही थी, जिसके चलते उस युवक ने आत्महत्या की। ये पूरा मामला कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के मौजमपुर गाँव का है। पत्रकार रजनेश भी उसी गांव का निवासी है, लेकिन राजनीति के चलते कुछ नेताओं ने पत्रकार को ही फंसा दिया, जिससे कानपुर देहात के सभी पत्रकारों में नाराजगी है। साथ ही सभी पत्रकारों ने मिलकर तहसील रसूलाबाद में तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और साथ ही क्षेत्राधिकारी रसूलाबाद राजा राम चौधरी को भी ज्ञापन सौंपा और न्याय की मांग की। साथ ही पत्रकारों ने ये भी कहा, अगर साथी पत्रकार को न्याय नहीं मिलेगा तो सभी पत्रकार धरना प्रदर्शन करेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। बाद में ज्ञापन दिया गया पत्रकारों द्वारा, क्या कुछ मामला है? मामला ये कि 8 जून को रसूलाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम मौजमपुर में एक बच्चे के साथ कुकर्म किया गया। पुलिस ने मेडिकल के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया, जिसमें एक रजनेश नाम के पत्रकार ने उसको समाचार प्रसारित किया, जिससे नाराज होकर और उस अभियुक्त को पुलिस पकड़ना चाहती थी, जिससे भयवश उसने आत्महत्या कर ली। गांव की पार्टी बंदी के आधार पर रजनेश को भी 3 से 6 का मुलजिम बना दिया। आज हम लोगों ने परगना अधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी और कोतवाल रसूलाबाद ललित कुमार को ज्ञापन दिया और न्याय की ड्यूटी कर रहे हैं, दोनों बाहर हैं, उसके बाबा और दादी के संरक्षण में वो लड़का रह रहा है उस गांव में, और बाबा ने जो है एक तहरीर दिया है कि मेरे मतलब लड़के को नाती को ये 4 कठेरिया जात के जो व्यक्ति हैं गांव के, इन्होंने धमकाया है, जिनका नाम है रजनीश उर्फ नीरू और 3 और भी हैं जो कठेरिया जात के हैं, उनका नाम उन्होंने अपनी FIR में दर्ज कराया है। लेकिन हम लोग इस बात की हम गहनता से जांच कर रहे हैं कि ये घटना जो है मतलब क्या सत्य है, क्या है, क्या सच्चाई है, इस पे हम गंभीरता से जांच करके जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।